Hey guys, good morning and welcome back to the channel. तो भाई आप लोग सोच रहे हो कि बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे, तो भाई हाँ ये बात सच है कि हमारी जो वीडियो की कंसिस्टेंसी थी जो बहुत अच्छी चल रही थी बहुत टाइम से, तो वो टूट चुकी है। बट कोई डेली व्लॉग चलते शुरू हो जाएंगे। फिलहाल आज का वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना है। तो भाई आज की वीडियो का टाइटल है हमारे REVs रियली द फ्यूचर। ये वीडियो पूरा EVs के बारे में होने वाला है, ठीक है। तो EVs हमारा फ्यूचर बन सकती हैं या नहीं बन सकती, ठीक है। इस बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। भाई अगर आप भी EVs लेने की सोच रहे हो या कुछ भी आपके मन में डाउट है EVs को लेकर के, ठीक है, तो आप ये वीडियो में आपका वो डाउट क्लियर करने का मैं पूरी कोशिश करूंगा। सारी इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में आपको EVs के बारे में, EVs कितनी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है, कितनी आपको पॉकेट में कम पड़ने वाली है या ज्यादा पड़ने वाली है, ठीक है, सारे आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सो गाइस अभी हम जिस एरा में हैं, जो समय चल रहा है वो चल रहा है एक आपका ट्रांजिशन का समय चल रहा है। मतलब हम लोग जो है आइस एज कार से हम लोग EVs की तरफ ट्रांजिशन होने वाले हैं बहुत जल्दी, शायद आने वाले 10-15 साल में आपका जो पेट्रोल डीजल कार्स है वो बंद हो जाए, कहीं देखने को ना मिले। तो ये एक ट्रांजिशन का समय चल रहा है, ठीक है। EVs नई नई आनी स्टार्ट होगी मार्केट में, दुनिया मतलब ऑलमोस्ट सारी मोटर कंपनीज EVs बना रही हैं, ठीक है। इसलिए हम EVs के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस पहला पॉइंट आता है वाई EVs, मतलब EVs की तरफ जाने की जरूरत क्या है। तो इसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन है डिप्लेटिंग फॉसिल्स, जो हमारे फॉसिल्स है जिससे पेट्रोल डीजल बनता है, ठीक है, वो बहुत जल्द क्या मतलब एनी टाइम सून खत्म हो सकते हैं इस दुनिया से। एंड इसलिए आज नहीं तो कल हमें पेट्रोल डीजल छोड़ के हमें EVs की तरफ जाना ही पड़ेगा। EVs या फिर कोई और मतलब पेट्रोल डीजल से निकल के कहीं और जाना पड़ेगा, ठीक है। आइस एज कार्स बेसिकली हम कंबशन इंजन वाली जो गाड़ियाँ हमारी होती है पेट्रोल डीजल, इनको आइस एज बोलते हैं, ठीक है। तो इनसे निकल के हमें जाना पड़ेगा। CNG या हाइब्रिड जितनी भी आती है इनमें सब में वो कंबशन इंजन ही यूज होता है, ठीक है। तो ये सब आइस एज कार्स में आई, ठीक है। बाकी आपकी जो EVs हैं इनमें बेसिकली आपका एक इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है एंड साथ में बैटरी जो बैटरी पावर्ड रहती है। और सेकेंड भाई जो रीजन है EVs की तरफ जाने का वो है एनवायरमेंट। EVs जो है आपका जीरो एमिशन रहता है, ठीक है, तो पॉल्यूशन ऑब्वियसली नहीं करेगी। पेट्रोल डीजल गाड़ी से जो दुनिया भर का पॉल्यूशन निकलता है और हमारे शहरों का जो बुरा हाल है, तो EVs से वो चीज़ कम हो जाएगी, ठीक है, ऐसा सोचना है। भाई इवन BMW, Jaguar, Volkswagen और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने दावा किया है कि बाय 2040 वो पूरा EVs में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जो उनकी अभी एग्जिस्टिंग मॉडल्स आ रहे हैं और वो आना धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, और जो नए मॉडल्स हैं वो जितने भी आएंगे वो EVs में ही आएंगे। और भाई गवर्नमेंट भी भर भर के सब्सिडीज दे रही है आपको, EV लोग सब लोग पुश कर रहे हैं आपको, गवर्नमेंट इवन पुश कर रही है, हर जगह आप देख रहे होंगे EVs लेने की तरफ पुश किया जा रहा है। बट क्या EVs लेना सही में एक सॉल्यूशन है इस समय पे? क्या EVs हमारा फ्यूचर है विद द करंट टेक्नोलॉजी, सवाल ये आता है। तो ये पहली बात करते हैं कि EVs बनती कैसे। तो भाई EVs में एक मेजर पार्ट रहता है बैटरी का, ठीक है। इसकी बैटरी जो बनती है उसके लिए तीन सब्सटेंस चाहिए होते हैं, जिंक, कोबाल्ट एंड लिथियम, ठीक है, जिसके लिए भाई इतनी माइनिंग की जाती है, ठीक है। तो उसकी माइनिंग मतलब वो उसका बैटरी बनने का प्रोसेस है उसी में इतना पॉल्यूशन हो जाता है जितना एक पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ी अपनी पूरी लाइफ टाइम में नहीं करती है। तो भाई इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो EV बिल्कुल नहीं है। हाँ ये बात अलग है, इसका जो प्रोसेस है वो कहीं और होगा, ठीक है, और EV चलेगी कहीं और शहरों में, तो ऑब्वियसली जहाँ वो चलेगी वहाँ वो पॉल्यूशन नहीं करेगी। बट लेकिन उसकी बैटरी बनने के प्रोसेस में ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका होगा। सेकेंड हम आ जाते हैं भाई इसके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो आप सबको पता है भाई बिल्कुल भी इंडिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है EVs का। इवन भाई CNG इतने समय चल रही है, अभी तक CNG का भी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ है, ठीक है। जहाँ भी CNG भरानी पड़ती है ना लाइन लगी रहती है। आप सोचो जो CNG भराने में 2-3 मिनट लगते हैं तब भी इतनी लंबी लाइन लग जाती है, और वैसे CNG की लाइन्स तो आप लोगों ने देखी होंगी। तो आप सोचो भाई जब इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको चार्ज करने में 1 घंटा लगता है मिनिमम, तो उसके लिए कितनी लंबी लाइन लगेगी। और फिलहाल अभी तो भाई चार्जर्स है भी नहीं, बहुत लिमिटेड चार्जर है, ठीक है। और भाई चार्जिंग का भी ना एक अलग बहुत अलग लेवल का सीन है, ठीक है। आप पहले जाओगे चार्जिंग स्टेशन में, आपको ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेगी, वॉलेट में पैसा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद भी गाड़ी चार्ज हो जाए ये श्योर नहीं है, ठीक है। फिलहाल आप आज की डेट में तो काफ़ी चार्जर्स खुलने लग गए हैं, बट स्टिल भाई EV ओनर्स जो प्रॉब्लम झेलते हैं ना वो वही जानते हैं, ठीक है। मुंह से कोई नहीं बोलता, अंदर से सब जानते हैं। साथ ही साथ जितने भी चार्जर्स बाहर आपको मिलेंगे, ठीक है, उनका जो चार्जिंग सोर्स है वो भी क्लीन नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग भाई हर जगह फास्ट चार्जिंग अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल आपको ज़रूरी नहीं कि आपको हर जगह फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। तो आपको अगर आप कहीं लंबा ट्रैवल कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा आपको वेट करना पड़ेगा चार्जिंग के लिए। अगला सीन आता है अगर मान लो मैं एक EV ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं उसको घर पे चार्ज करता हूँ,
ठीक है, तो आप एक चीज लगाओ भाई, जो यहाँ पे मैं रहता हूँ दिल्ली NCR में, ठीक है, एंड यहाँ पे भाई जो इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट है वो आपके ब्रैकेट वाइज है। मतलब अगर आपका बिलो आपका 50 यूनिट्स है तो आपको 2 रुपये पड़ेगा, 50 से आपका 200 यूनिट्स है तो आपको 2.5 रुपये पड़ेगा, इस हिसाब से ब्रैकेट बने हुए हैं। तो जितना आपका कंजम्पशन होगा टोटल, ठीक है, उस हिसाब से आपको पर यूनिट आपका जो है चार्ज आपको पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का। ये है भाई सीन, और मोस्टली सिटीज में ये होता है। तो भाई ईवी आप घर पे चार्ज करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिसिटी के जो यूनिट्स है वो बढ़ जाएंगे, और आप एक बड़े ब्रैकेट में अप्लाई करोगे इन द एंड ऑफ द मंथ, आप देखोगे भाई कि आपका बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। मतलब ईवी यूज करने के वजह से आपको अपना जो फ्रिज और आप जो माइक्रोवेव यूज कर रहे हो घर में, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज यूज कर रहे हो, आपको उसका भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ये पर यूनिट कॉस्ट जो है मंथली की बढ़ा देगा, और ये सस्ता तो कहीं से भी नहीं लग रहा भाई। अगर आप सोच रहे हो ईवी लेने से आपके पैसे बचेंगे तो देख लो भाई, ये है सच्चाई। अगला पॉइंट आता है भाई कॉस्ट ऑफ ईवी। आप देखोगे भाई ईवी की जो कॉस्ट है वो आपकी नॉर्मल पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ी से एक काफी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसमें बैटरी पैक यूज होता है, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख रुपए का डिफरेंस है नॉर्मल गाड़ी में और आपका ईवी में, सेम मॉडल की गाड़ी में और इवन उसी मॉडल की ईवी में आपका 6 से 7 लाख रुपए का डिफरेंस है, ठीक है। अब आप सोचो भाई, अगर आप डेली भी गाड़ी चलाते हो तो आपको कितना टाइम लगेगा ब्रेक ही बनाने में, कितना टाइम लगेगा आपको 6 से 7 लाख रुपए का गैप कवर करने में, उतने टाइम में भाई आपका बैटरी रिप्लेसमेंट का टाइम भी आ जाएगा। अगला पॉइंट मेरा है रेंज एंजाइटी। भाई आपको पता है अगर ईवी आप लोगे तो आपको पता है रेंज एंजाइटी तो आपको होगी होगी। एक चीज़ और बताता हूँ भाई, देखो ईवी की रेंज जितनी देती है ना, जितना क्लेम होता है ना, उतनी कभी देती नहीं है, ये बात आपको पता होगी। इसका रीजन आपको बताता हूँ क्यों भाई, क्योंकि ईवी की जो रेंज टेस्टिंग होती है वो ट्रेडमिल्स पे होती है। एक एयर कंडीशन रूम के अंदर गाड़ी को ट्रेडमिल पर रखा जाता है, ठीक है, और उसको वहां पे चलाया जाता है और वहां पे दिखाया जाता है कि भाई कितनी किलोमीटर जा रही है 0 से 100%, ठीक है। तो इस तरीके से टेस्टिंग की जाती है, तो ऑब्वियसली इसमें कोई विंड रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है, रियल रोड कंडीशंस नहीं होती है, तो कहाँ से भाई गाड़ी, तो ऑब्वियसली गाड़ी ज्यादा चलेगी चलेगी। बट जब आप गाड़ी परचेस करते हो, आप चलाते हो, तो गाड़ी ने अगर मान लो भाई, अगर आपको क्लेम किया गया है कि ये गाड़ी आपका 400 किलोमीटर का एक रेंज देने वाली है, तो वो 400 के बजाय वो आपको 250 का रेंज देगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा गैप आ जाता है यहाँ पे। ये इवन पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों के साथ भी होता है, लेकिन उनमें गैप इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई आपको पेट्रोल गाड़ी आपको बोल रहा है, कंपनी बोल रही है 18 का एवरेज दे रही है, तो वो एक्चुअली आपको 15 का एवरेज देती है। बट ईवीज में भाई आपको 400 का आपको रेंज बोल के वो 250, 260, 270 इतना रेंज देती है, जो कि बहुत कम लगता है, जो कि बहुत कम हो जाता है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव करो तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा इसमें। भाई अगला पॉइंट मेरा है भाई, आपको पता है भाई ईवीज यूज करती हैं बैटरी, ठीक है, बैटरी पावर्ड होती है। अब सोचो आप, ये फ़ोन है मेरा, जब इसको मैंने नया लिया था उसकी नई बैटरी थी, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा बैकअप देता था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका जो बैटरी का परफॉर्मेंस है वो गिरता जाए, गिरता जा रहा है ऑब्वियसली, ठीक है, अभी भी कमा चुका है, ठीक है, एंड टाइम के साथ और कमा जाएगा। एंड एक दिन ऐसा है कि मैं फ़ोन उठा के चेंज कर दूंगा और नया फ़ोन ले आऊँगा, क्योंकि इसका बैटरी भाई इतनी कम हो जाएगी, ये मेरे को दिन भर इसको मल्टीपल टाइम्स मुझे इससे चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम चीज़ भाई ईवी के साथ भी होती है, ठीक है, डे बाई डे उसका जो बैटरी का परफॉर्मेंस जो है उसका वो कम होते रहेगा, ठीक है, एंड धीरे धीरे उसका बैटरी जो है वो कम हो जाएगी उसका। इवन भाई सारी कंपनी जो है वो 160,000 किलोमीटर प्लस 8 साल का आपको वारंटी टाइम दे रही है बैटरी का, ठीक है, एंड इतना चल भी गया तो उसके बाद आप सोचो 8 साल बाद आपकी गाड़ी की जो रीसेल वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, अगर आप 8 साल बाद सोच रहे हो गाड़ी बेच दोगे तो आप सोचो भाई उसकी रीसेल वैल्यू क्या मिलेगी, जबकि उसकी बैटरी की कॉस्ट ही 7 लाख रुपये है, ठीक है। मैं फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत ही फेमस ईवी की, नेक्सॉन ईवी की, जो कि बहुत सारी बहुत ज़्यादा आपको इंडियन रोड्स में आपको देखने को मिलती है, ठीक है, नेक्सॉन ईवी बहुत लोग लेते हैं, ठीक है, एंड ये काफ़ी अभी तो खैर अभी तो बहुत सारी ईवीज आ गई हैं, पंच ईवी आ गई है, ठीक है, MG कॉमेट आ गई है, बहुत सारी सस्ती ईवीज आ गई हैं। थोड़े टाइम पहले, 1-2 साल पहले जाओगे था तो आपकी नेक्सॉन ईवी जो है सबसे चीपेस्ट ईवी मानी जा रही थी उस टाइम पे, ठीक है। बट आप लगा लो, मैं नेक्सॉन ईवी की बैटरी बैक की बात कर रहा हूँ, जो कि 7 लाख रुपये का, 6 से 7 लाख रुपये का है, ठीक है। अगर आपकी उसकी बैटरी खराब हो जाती है तो आपको सिर्फ बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही 7 लाख आने वाला है। ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट आप डेली देखते होगे भाई कि बहुत सारी ईवीज जो है वो आग लग रही है, ठीक है। मोस्टली मैं आपको इसकी स्कूटीज एंड बाइक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओला आप देखोगे, ओला ने भाई कितने 2-3 मॉडल्स निकाल दिए अपने इसके ईवी स्कूटर्स के, ठीक है, तो फिर भी उनमें आग लग रही है, फिर भी बिक रहे हैं वो, फिर भी ओला निकाले जा रही है, राइट, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं भाई, इनकी भी प्रॉपर टेस्टिंग पता नहीं होती नहीं होती है, नॉट श्योर अबाउट इट। अगर आप सर्च करोगे ना तो अभी कितनी कंपनीज हैं इंडिया में जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दे रही हैं,
तो आपको 100+ कंपनीज मिलेगी। इवन आपने शॉर्ट टाइम में भी देखा होगा दुनिया भर के मतलब नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो कि ईवीज पे बेस्ड है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक बाइक निकाल रहा है तो कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी निकाल रहा है, ठीक है, तो ये आपने बहुत सारे रेवेन्यू। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये चाइना से बने बनाए पार्ट उठा रहे हैं, ठीक है, इनको रिबैच कर रहे हैं और अपने नाम पे बेच रहे हैं इंडियन मार्केट्स में। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं। तो ईवीज, अभी ये ईवी का जो आपका अभी सेगमेंट है ना, ये एक नया सेगमेंट है और इसमें बहुत सारे नए नए कंपनीज आएंगी, क्योंकि भाई ये एक नया वो है आपका, एक नया स्ट्रीम है पैसा कमाने का, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कूदेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये ईवी सेफ है, तो भाई आप देख ही रहोगे कितने स्कूटर्स में आग लग रही है, ठीक है, न्यूज आप भी देखते होगे, यूट्यूब इंस्टाग्राम में आप देख ही रहोगे भाई दुनिया भर में आग लग रही है स्कूटर्स में। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं भाई, टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है उसमें, इवन आपको पता है कि भाई बैटरी जो है इसकी, जो हमारे ईवी की बैटरी होती है, अगर वो वाटर एंड सॉल्ट के मतलब जैसे अगर समुद्र का पानी जो होता है या फ्लड का पानी जो होता है, ठीक है, उसके कॉन्टैक्ट में आए तो वो कम्बस्ट करती है, बैटरी आग पकड़ लेगी, तो ये बहुत बड़ा इशू है। फिलहाल उसकी अगर प्रॉपरली बैटरी पैक सील नहीं है जो भी है, तो ये सब चीज़ें इशूज आ सकते हैं उसमें। एक पॉइंट भाई और बताता हूँ मैं आपको, आप सोचो एक बार, अगर आप सोचो कि अगर सारी गाड़ियाँ ईवीज में कन्वर्ट हो जाती है आज की डेट में, जितनी भी पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ घूम रही सड़कों में वो सब ईवीज हो जाती हैं, तो आप सोचो भाई कि कितनी ज़्यादा चार्जिंग होगी, ठीक है, एंड कितनी ज़्यादा बैटरी रिप्लेसमेंट होगी। अब बात आती है बैटरी डिस्पोजल की, तो जो ओल्ड बैटरीज हैं या ओल्ड गाड़ियाँ हैं जो लोग यूज़ करके वापस डिस्पोज करेंगे, तो उससे बैटरी तो बचेगी ना, तो उसका डिस्पोजल कैसे किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है भाई बैटरी तो डिस्पोज होती नहीं है, या उसका रिन्यू का सिस्टम अभी है नहीं, जो बैटरी यूज़ हो रही है उसका रिन्यूबल का सिस्टम नहीं है, ठीक है, मतलब मेरे ध्यान में तो कोई टेक्नोलॉजी है नहीं जिसमें बैटरी रिन्यू की जा सकती हो, या की जाती भी है तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, नई बैटरी ज़्यादा कॉस्ट आता है, तो ऐसा कोई करेगा नहीं। तो आप सोचो इतनी सारी जो होगी, कितनी सारी बैटरी जाएगी जिनको डिस्पोज करना पड़ेगा, तो उनको कहाँ डिस्पोज किया जाएगा, ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इससे इन्वायरमेंट का क्या हल होगा, तो क्या आपको सच में लगता है कि ईवी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है? मेरा जो पर्सनल इस पर वो है ओपिनियन, तो वो तो ये है कि भाई हाँ, ईवीज हमारा फ्यूचर हो सकती है, बट नॉट विद द करंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, अभी जो सीन चल रहा है इसके साथ नहीं हो सकती। हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ सालों बाद टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ईवीज ऑल अलग टाइप की आएंगी, धीरे धीरे उस पर टाइम लगेगा ट्रांजिशन होने पर इस पर, बट ये बहुत जल्दी नहीं होने वाला, ठीक है। जैसे आपको खबरें सुनने को मिल रही होगी कि 2027 पे डीजल बंद हो जाएगा, 2028 पे पेट्रोल बंद हो जाएगा, तो इतनी जल्दी नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी इलेक्ट्रिक पे अगर डिपेंड होने लग गए तो बहुत सारे इश्यूज बढ़ जाएंगे, ठीक है। इवन ईवीज आप देख रहे हो भाई अभी मिल जा रही है इजीली, बट लेकिन अगर ज़्यादा लोग जैसे मेजरली लोग जाएंगे ना बुकिंग्स के लिए, ठीक है, तो उसका बैटरी प्रोडक्शन इतना फास्ट नहीं है, तो ईवीज इतनी जल्दी बन नहीं सकती जितनी जल्दी पेट्रोल और डीजल गाड़ियाँ बन सकती अभी के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। चलो भाई इतने सारे नेगेटिव बता देते हैं, कुछ पॉजिटिव बताने का टाइम है। तो भाई ईवीज के बारे में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है, जो मुझे लगती है मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो भाई पहली चीज़ आती है V2L, दैट इज़ व्हीकल टू लोड, ठीक है, आप गाड़ी से अपने घर के अप्लाइंसेस चला सकते हैं या चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, हालांकि इस चीज़ का कितना फ़ायदा है ये तो पता नहीं रियल लाइफ में, ठीक है। हुंडई की आयोनिक 5 आती है, एंड साथ ही साथ EV6 किया की जो आ रही है उसमें फीचर मिलता है आपको आने वाले टाइम में और गाड़ियाँ मिलेगा, ठीक है, तो ये व्हीकल टू लोड का फीचर इन दोनों गाड़ियाँ मिलता है। जैसे ईवीज पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी, लोग ईवीज लेने लगेंगे एंड पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली कम हो जाने वाला है, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ कम ही लोग अफोर्ड कर पाएंगे भाई, ठीक है, जो कि जिनकी लाइफ ही 7 से 10 साल मैक्सिमम लाइफ होगी मेरे ख्याल से ईवी की, ज़्यादा नहीं होगी, उसके अलावा दिन में उसको 10 बार चार्ज करके कौन चलाएगा राइट, तो ऑब्वियसली लेस ट्रैफिक हो जाएगा, क्योंकि चार्जिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा है ईवीज का। आपको घर पर अगर चार्ज कर रहे हो आपको ओवरनाइट चार्ज करनी पड़ती है, एंड अगर रोड पर चार्ज कर रहे हो, अगर आप मतलब एक्सटर्नल चार्जर से आप चार्ज कर रहे हो तब भी आपको 1.5 घंटा लग जाता है उसको चार्ज करने में, तो चार्जिंग टाइम ज़्यादा है तो रोड पे ट्रैफिक कम दिखेगा। एंड गाइस ये भी हो सकता है कि ईवीज आपके पॉकेट में थोड़ी हल्की पड़े, वैसे अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से नहीं लगता मुझे, बट थोड़ी अगर आप चीपेस्ट ईवी लेते हो, ठीक है, जैसे कि MG कॉमेट या फिर आप टाटा की टियागो आती है, टियागो ईवी आती है, पंच ईवी आ रही है, ठीक है, ये अगर आप गाड़ियाँ लें तो शायद आपके पॉकेट में थोड़ी सी सस्ती पड़ सकती हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ भाई। देखो पहली बात, अगर आप घर में भी चार्ज कर रहे हो ना, तो फिर भी आपको मैंने जो आपको चीज़ बताई थी कि पर यूनिट चार्ज जो है आपका बढ़ जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी टोटल यूनिट्स बढ़ जाएंगी मंथली, तो ये चीज़ होगी। बट लेकिन आप उसमें क्या कर सकते हो भाई, अगर आपके घर में सोलर वगैरह लगा है तो आपका कंजप्शन कम हो जाएगा उसकी वजह से, तो वहाँ आपको ये थोड़ा सस्ती पड़ सकती है।
सो गाइस ये था अपना छोटा सा वीडियो ईवी के बारे में। फिलहाल मुझे लगता है इस वीडियो के बाद भाई ईवी लवर्स जितने भी हैं जो ओन करते हैं, क्योंकि भाई देखो जो गाड़ी आप ओन करते हो ना, ये रियलिटी देखो, ये रियलिटी, आप किसी ब्रांड की कोई भी गाड़ी ओन करो, आपने पैसा डाला उस पर, आप उसको गलत नहीं बोलोगे, ठीक है। ऑब्वियसली यू लव दैट कार, और करना भी चाहिए भाई, गलत नहीं है, ठीक है। तो ईवी वाले जो मेरे को गालियां देने वाले ना इसके बाद नीचे कमेंट पे, चलो कोई नहीं, ठीक है भाई। फिलहाल मेरी जो व्यूज थे, मेरी जो रिसर्च थी, मैं आपको शेयर करी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पे नए तो डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड गाइस मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, देखते रहिए पीयूष के ब्लॉग्स।